शनि की साढ़े साथी के विषय में आप सभी ने अवश्य सुना होगा। क्या शनि की साढ़े साथी इतनी भयानक होती है कि जीवन दुखों से भर जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है? शनि की साढ़े साथी के कष्टकारी प्रभावों के बारे में आप सभी अवश्य जानते हैं। इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। जब भी कोई व्यक्ति जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा होता है, परेशानी झेल रहा होता है, तो दूसरा व्यक्ति अचानक ही पूछ बैठता है, कहीं आपकी शनि की दशा या साढ़े साथी तो नहीं चल रही? परेशानी कोई भी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, या पारिवारिक कलेश हो, या पति पत्नी की अदबन का मामला हो, समस्या जीवन में चाहे राहु केतु, मंगल या किसी अन्य ग्रह की वजह से आ रही हो, परंतु कारण हमेशा शनि की साढ़े साथी में ही ढूंढा जाता है। यानी डर सभी को सिर्फ शनि देवता से लगता है। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज शनि ग्रह की साढ़े साथी और ढैया को ही समझते हैं विस्तार से। आखिर सब लोग शनि भगवान से इतना क्यों डरते हैं? उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं मोनिका कोचर आचार्य। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साथी और ढैया की। शनि की साढ़े साथी क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या साढ़े साथी हमेशा बुरे फल ही देती है, क्या शनि ग्रह की साढ़े साथी से बचा जा सकता है, और शनि ग्रह के प्रभाव को जीवन में कम करने के लिए कौन से उपाय हम सभी को करने चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं साढ़े साथी की। साढ़े साथी का क्या अर्थ है? साढ़े साथी का अर्थ है साढ़े सात साल। साढ़े सात साल तक शनि ग्रह का तीन राशियों में गोचर, शनि देव एक राशि में भ्रमण करने में लगभग ढाई वर्ष का समय लगाते हैं, तो तीन राशियों को पार करने में उन्हें ढाई ढाई और ढाई लगभग साढ़े सात वर्ष का समय लगेगा। इस साढ़े सात साल के समय को ही साढ़े साथी या कंटक शनि कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, उसके पहले भाव में 10 नंबर लिखा है, जिसे कुंडली का पहला भाव या लग्न भी कहते हैं। हम सबके जीवन की शुरुआत इसी लग्न यानी प्रथम भाव से ही होती है, और जहां कुंडली का चंद्रमा स्थित होता है उसे जन्म राशि या चंद्र राशि कहा जाता है। यहां लग्न में 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि उदित हुई है और चंद्रमा 11 नंबर यानी कुंभ राशि में बैठे हैं। तो इस जातक का लग्न हुआ मकर और जन्म राशि हुई कुंभ। साढ़े साथी और ढैया की कैलकुलेशन चंद्र राशि से ही की जाती है, ना कि लग्न से। ये बात आपको ठीक से समझ लेनी है। जब शनि देव चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का आरंभ हो जाता है, और जब शनि जन्म राशि से दूसरे भाव को पार कर जाते हैं तो साढ़े साथी समाप्त हो जाती है। अब इसे स्क्रीन पर दी गई कुंडली से समझिए। जब कुंभ राशि वाले जातक के लिए शनि देव मकर में प्रवेश करेंगे तो इस कुंभ राशि वाले जातक की साढ़े साथी आरंभ हो जाएगी, और जब तक शनि देव मकर, कुंभ और मीन राशि में ढाई 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 साल तक रहेंगे यानी कुल साढ़े सात वर्षों तक रहेंगे, तब तक इस जातक की साढ़े साथी चलती रहेगी। मीन राशि को पार करते ही कुंभ राशि वाले की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। इस समय यानी जब जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, सितंबर के महीने में, आप लोगों को हो सकता है ये वीडियो अक्टूबर में देखने को मिले, तो सितंबर 2023 इस समय शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय मकर, कुंभ और मीन इन तीन राशियों पर शनि की साढ़े साथी एक साथ चल रही है। तीन राशियों पर एक साथ क्यों? क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव एक साथ तीन राशियों पर पड़ता है, तो तीन राशियों पर साढ़े साथी एक साथ चलती है। इस समय मकर, कुंभ और मीन तीन राशि वाले जातकों की साढ़े साथी चल रही है। मकर राशि वालों के लिए ये साढ़े साथी का अंतिम चरण है, कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण है, और मीन राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति की साढ़े साथी कब शुरू होगी? जब शनि देव चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। और कब खत्म होगी? जब शनि देव
चंद्र राशि से दूसरे भाव को पार कर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि साढ़े साती की गणना किस प्रकार की जाती है। इसी प्रकार आप सभी अपनी जन्म कुंडली में भी अपनी साढ़े साती का समय निकाल सकते हैं कि आपकी साढ़े साती कब प्रारंभ होगी और कब आपकी साढ़े साती की समाप्ति होगी। साढ़े साती की गणना के बाद अब बात करते हैं साढ़े साती या शनि दशा के प्रभाव की। जब भी शनि की दशा या साढ़े साती आती है तो मन पर इतना बोझ और दुख क्यों अनुभव होने लगता है? शनि की साढ़े साती शुरू होते ही हमारे जीवन में इतने कष्टकारी बदलाव क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है, इसका संबंध जरूर हमारे मन से होगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा ना। बिना हमारे मन को दुख दिए शनिदेव किस प्रकार साढ़े साती का प्रभाव देंगे और हमारे मन का कारक कौन सा ग्रह है, जानते ही होंगे आप सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, हमारे मन का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ही हमारी सोच, हमारे मन का भाव है। सभी सुख दुख हम चंद्रमा के कारण ही अनुभव करते हैं और शनि ग्रह है दुख, पत्थर, बोझ, आलस, स्ट्रगल यानी संघर्ष और मेहनत। जब भी हमारे जीवन में साढ़े साती आती है तो मनुष्य दुखों से पत्थर जैसा हो जाता है। शनि इस समय बहुत मेहनत करवाते हैं, पारिवारिक रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है, मेहनत का फल भी नहीं मिलता, समाज में नेगेटिव इमेज बन जाती है, कभी कभी तो बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है साढ़े साती के समय। पैसा नहीं बचता, आय कम हो जाती है, खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। ज्यादा मेहनत करने पर भी क्या मिलता है? सिर्फ स्ट्रगल और फेलियर्स। शनि की साढ़े साती किसी को नहीं छोड़ती, ये जान लीजिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फिल्म एक्टर हो, डॉक्टर हो, अमीर हो या फिर आम इंसान हो। शनि की साढ़े साती या दशा में व्यक्ति के मन में बेचैनी, निराशा और पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति ओवरथिंकिंग करने लग जाता है यानी नकारात्मक सोच में डूब जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए साढ़े साती में शनिदेव हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म फलों का भुगतान हमसे करवाते हैं। किसी किसी की साढ़े साती में व्यक्ति के माता पिता की मृत्यु तक हो जाती है। मेरी खुद की साढ़े साती में मैंने अपनी माँ और सासू माँ दोनों को खोया है और कई महीनों तक डिप्रेशन का दर्द भी झेला है उस समय जब मैंने अपनी दोनों माओ को साढ़े साती में खो दिया था। बहुत ही कष्टकारी समय था वो मेरे लिए। तो साढ़े साती किसी को नहीं छोड़ती, ये बात जान लीजिए। अभी रुकिए, अभी जानना बाकी है कि क्या साढ़े साती हमेशा बुरा ही फल देती है सभी को? क्या साढ़े साती में हमेशा हमें कष्ट ही मिलेंगे? तो जवाब है नहीं। शनि यदि कुंडली में बलि होते हैं और आपके पूर्व जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं तो साढ़े साती आपको कब छूकर निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको कोई परेशानी नहीं होती। कई बार तो साढ़े साती में लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन तक बन जाते हैं और कई लोग इस समय भगवान की शरण में चले जाते हैं यानी अध्यात्म अपना लेते हैं और अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। एक्चुअली शनिदेव यही तो चाहते हैं हम सभी से, अच्छे कर्म करना, मेहनत करना, भगवान को याद रखना और किसी को भी अनजाने में भी दुख ना देना। साढ़े साती का प्रभाव हमारे जीवन की बुराइयों को दूर करके हम एक अच्छा इंसान बना देता है। तो अब आप जान गए होंगे कि साढ़े साती का प्रभाव किस प्रकार अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। चलिए अब जल्दी से उपायों की बात भी कर लेते हैं कि किन विशेष उपायों से आप शनि दशा और साढ़े साती से बच सकते हैं और शनि कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय है, प्रत्येक शनिवार की शाम शनि बीज मंत्र की कम से कम 3 माला अवश्य करें और प्रतिदिन नियम पूर्वक शनि मंत्र जाप करते रहें। शनि बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय, शनि अमावस के दिन सूर्यास्त के बाद काले तिल, 100 ग्राम जौ, काले नीले फूल, गुलाब जामुन की मिठाई, धूप दीप से पीपल वृक्ष की जड़ में शनि पूजन, शनि मंत्र जाप
व शनि स्त्रोत का पाठ करें। तीसरा उपाय, हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। चौथा उपाय, पक्षियों को दाना डालें, अपनी छाया देखकर शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें। गरीब मजदूरों को भोजन करवाएं और निष्ठापूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पांचवा उपाय, शनि के बीज या वैदिक मंत्र का 23,000 की संख्या में अनुष्ठान करवाएं। शनिवार का व्रत करें और अपने जन्मदिन पर या किसी भी शनिवार अपने वजन के बराबर तुला दान करें। तुला दान का अर्थ है 7 अनाजों का दान करना है अपने वजन के मुताबिक। छठा उपाय, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के रोज पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग शनि स्वरूप ही माने जाते हैं। इन उपायों में से किसी भी उपाय को करने से शनि देव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, पर सबसे जरूरी उपाय अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वो उपाय है, किसी भी गरीब व्यक्ति, दीन दुखी, बुजुर्ग या जानवर का शोषण भूलकर भी ना करें, उन्हें अनजाने में भी दुख ना दें, वरना शनि देव के दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता। अपने 20 साल के ज्योतिष करियर में मैंने हजारों लोगों को शनि की 7.5 में खून के आंसू रोते हुए देखा है, यानी शनि की 7.5 का प्रभाव सभी पर बराबर पड़ता है, उसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। तो चलिए सभी मिलकर कहिए शनि देव की जय, उनके होने से ही संसार सही रूप से चल पा रहा है। सोचिए यदि शनि देव का न्याय रूपी दंड ना होता तो क्या होता? सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने, झूठ बोलने और छल कपट करने में जरा भी ना डरते, बेखौफ होते, तब कौन सुरक्षित होता, सोचिए। तो ये था शनि की 7.5 के बारे में जानकारी, कि शनि की 7.5 किस प्रकार हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है, और शनि दशा से बचने के लिए शनि की 7.5 से बचने का सबसे कामयाब उपाय है अच्छे कर्म करते रहना और किसी को दुख ना देना। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में शनि देव की जय अवश्य लिखें। मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं मोनिका कोचर आचार्य।